हेलो दोस्तों, मैं हूं हासिम रजार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास होंडा ड्यू है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम इस तरह का आ चुका है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इसका झूला सस्पेंशन बूस है दोस्तों, ये कट चुका है, पूरा हिलता है दोस्तों। ये इंजन और बॉडी अलग, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह दोस्तों। इसका झूला बूस हम चेंज करने वाले हैं, सस्पेंशन बूस चेंज करने वाले दोस्तों। पीछे का सॉकर बूस कटा रहेगा, वो भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंजन को हम ओपन करेंगे, इंजन को अलग करेंगे चेचिस से, उसके बाद कैसे हम फिट करेंगे दोस्तों आपको दिखाते हैं आगे, बने रहिए वीडियो। तो आप देख पा रहे होंगे इंजन को इसमें अलग कर चुके हैं दोस्तों, बॉडी अलग हो चुका है, इंजन अलग। और ये है हमारा सस्पेंशन बूस, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस जगह पर। और दोस्तों इसको निकालना कैसा है, इसमें ठोकना नहीं है क्योंकि ये चेम्बर रहता है दोस्तों, टूटने का आवश्यकता रहता है। तो इसको पुलर बनाया जाता है दोस्तों, देखिए इस तरह से पुलर बनाया गया है, बोल्ट इस तरह से डालेंगे। इसमें वाशर लगा है दोस्तों, करोस वाशर देख पा रहे हैं, इस तरह से इसको लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद ये देख पा रहे होंगे गोटी है दोस्तों, और उसको इस तरह से लगाएंगे देख पा रहे होंगे। और ये हमारा नट है दोस्तों, ये नट को इस तरह से हम टाइट करेंगे इसमें, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इस तरह से टाइट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसको टाइट करना है आराम आराम के साथ में, और ये गोटी को प्रॉपर बैठा के रखना है क्योंकि हमारा बूस बीच में से निकलेगा। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पीछे हम पाना से पकड़ेंगे 15 नंबर, और इधर 15 नंबर ऐसे इसको इस तरह से टाइट करते रहेंगे, और हमारा बूस धीरे धीरे बाहर आते रहेगा। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, इस तरह से दोस्तों आप बने रहिए, ये बूस किस तरह से बाहर आएगा आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो टाइट करते रहेंगे दोस्तों, ये देख पा रहे हैं हमारा बूस बाहर की ओर आ चुका है, निकल चुका है दोस्तों। इस तरह से बूस को निकालना पड़ता है, और इस तरह से निकालने से कोई तरह की दिक्कत नहीं आता है दोस्तों। और ठोक के निकालने में चेंबर में टूटने का भी डर रहता है दोस्तों, इसलिए हथौड़ी उसमें नहीं लगाना है। और ये हमारा बूस आप देख पा रहे हैं, ये हमारा निकल चुका है दोस्तों, देख पा रहे हो इस तरह से हमारा बूस बाहर आ चुका है। ये बूस कट चुका था दोस्तों चारों ओर से, ये हिल रहा था इंजन इसका। तो इसी तरह ठीक इसी तरह दोस्तों इसमें हम भी निकालेंगे, इधर का भी उसी तरह निकालेंगे दोस्तों। इस तरह से डालेंगे हम बोल्ट, ये देख पा रहे होंगे इस तरह से डालेंगे, और ये गोटी को लगाएँगे, और वापस हम टाइट करेंगे दोस्तों ये वाशर डाल। तो दोस्तों इसको भी निकाल लेते हैं, और फिर कैसे ठोकना है वो बताते हैं आप। तो दोस्तों ठीक उसी तरह इसको भी टाइट करते जाएंगे हम धीरे धीरे, और ये हमारा बूस आएगा, देख किस तरह से आता है दोस्तों, कोई इसमें ताकत नहीं लगता है दोस्तों, एकदम आराम के साथ बूस बाहर आ जाता है, ठोकने ठाकने की ज़रूरत नहीं। आप देख पा रहे होंगे ये बूस हमारा निकल चुका है इधर का, इसके अंदर बूस है दोस्तों, आपको बताते हैं खोल के किस तरह से इसके अंदर। इस तरह से बूस चेंज करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये अल्मोनिया का बॉडी रहता है चेंबर, और उसमें ठोक ठाक करेंगे तो टूटने का चांस रहता है, और एक बार टूट गया तो काम ख़त्म हो जाता है, इसलिए बहुत हिसाब से काम करना पड़ता है। ये देख पा रहे होंगे ये बूस हमारा निकल चुका है, अब इसमें हम नया बूस यूज करेंगे दोस्तों। और किस तरह बूस को ठोकेंगे आप देख पा रहे होंगे हम दोस्तों, ये बूस है भाई नया लाया हूँ, देख सकते हैं ये वाला बूस है, और ये बूस को हम डालेंगे दोस्तों इसके अंदर। इसके अंदर लगाएंगे बूस को दोस्तों इस तरह से, पहले हम ग्रीस को यूज करेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हल्का सा ग्रीस हम लगाएंगे दोस्तों इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लगाएंगे। और ग्रीस लगाने के बाद दोस्तों इसमें एकदम प्रेम से इसको ठोक देंगे इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे, और इसमें ठोकने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम आराम के साथ इस तरह हम ठोक सकते हैं, आप देख पा रहे हैं एकदम आराम के साथ चला गया, और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है। ये बूस हमारा लग चुका है, और ठीक इसी तरह इधर भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे दोस्तों इस तरह से गिरीस, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ भी थोड़ा सा लगा लेंगे, और ठीक इसी तरह इसमें लगाएंगे बूस, तो बूस आराम के साथ चला जाता है दोस्तों, थोड़ा सा निकालने में दिक्कत रहेगी। तो देख पा रहे होंगे मेरा बूस दोनों लग चुका है, और ठीक इसी तरह दोस्तों सॉकर वाला बूस निकालते हैं, उसको लगाने के बाद इंजन को चढ़ाते हैं दोस्तों।
आप देख पा रहे होंगे इंजन को इसमें हम चढ़ा चुके हैं दोस्तों, और ये बूस को दोनों चेंज कर चुके हैं कंप्लीट, नया बूस डालें। हमारा इंजन कंप्लीट चढ़ लग चुका है, परफेक्ट तरह से पूरा काम हो चुका है, तो इसी तरह बूस को यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक ये वीडियो यहीं करते हैं। Oh, 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 oh